इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, देर रात अमित शाह से मुलाकात की जानकारी, जीतन राम मांझी की मुलाकात की जानकारी, अमित शाह के आवास पर ही मुलाकात हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जीतन राम मांझी जो कि बिहार में एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है और माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल गठन को लेकर यह चर्चा की गई है। एनडीए बिहार में बीजेपी और जेडीयू के अलावा एलजेपी रामविलास और जीतन राम मांझी के हम भी साझेदार हैं और उम्मीद की जा रही है कि हमको भी जगह मिल सकती है। नरेंद्र मोदी आज शाम तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को यादगार बनाने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष या फिर प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम 7:15 पर शुरू हो जाएगा। जी मीडिया के पास मोदी मंत्रिमंडल के संभावित चेहरों की लिस्ट है। नरेंद्र मोदी के साथ 51 मंत्री ले सकते हैं शपथ। एनडीए के सभी सहयोगियों को मिलेगी जगह। शपथ लेने के साथ ही मोदी लगातार तीसरी बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के पीएम बनने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें शपथ ग्रहण में न्योता मिलेगा तो भी वो नहीं जाएंगी। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में जनादेश नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। ममता ने बीजेपी पर अलोकतांत्रिक और अवैध तरीके से सरकार बनाने के आरोप लगाए हैं। शपथ ग्रहण को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा में दिल्ली पुलिस के 3,000 स्टाफ के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स की 15 कंपनी तैनात की गई है। एनएसजी, एसपीजी और इंटेलिजेंस विंग के अफसर भी तैनात रहेंगे। नई दिल्ली जाने वाले सभी रास्तों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हाई सिक्योरिटी जोन में आम वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। शपथ ग्रहण से पहले राजघाट जाकर पीएम मोदी ने महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद पीएम ने सदैव अटल पर जाकर अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन किया, याद किया। साथ ही पीएम मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे जहां पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। Z News.